This is your ninth chapter of grammar book doing words. Doing words होते हैं action words जिससे हमें पता चलता है कि कोई काम हो रहा है. जैसे हमारी verbs होती हैं उनको हम doing words, action words या फिर verbs भी बोलते हैं. तो today we will read about this. When you look around yourself, you will see that everyone is doing something or the other. Words like sing, dance, run, sleep. Jump are action words. Words which tell us what a person, animal or thing does are called doing words. Doing words कौन से होते हैं? जैसे हमारे surrounding, हमारे इर्द गिर्द कुछ ना कुछ होता रहता है. कोई मतलब verb होती रहती है, क्रिया होती रहती है. जैसे उन्होंने example दी sing, गाना, dance, dance करना, run, भागना, sleep, सोना, जंप, कूदना. तो ये सब एक्शन वर्ड्स है जिससे हमें पता चलता है कि कोई काम हो रहा है. वर्ड्स लाइक टेल अस, मतलब जो वर्ड्स हमें बताते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई जानवर या फिर कोई वस्तु कुछ काम कर रही है, कुछ हो रहा है, वो डूइंग वर्ड्स कहलाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट ग्रोस, प्लांट ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो ग्रो हमारा डूइंग वर्ड हो गया. राहुल रीड्स, रोहन रीड्स, रोहन पढ़ता है तो रीड्स हमारा डूइंग वर्ड हो गया. चिल्ड्रन प्ले, बच्चे खेलते हैं, तो ये भी हमारा डूइंग वर्ड हो गया. कैट्स रन, बिल्लियां भाग रही हैं, तो रन जो भागना उनका काम है, ये हमारा डूइंग वर्ड हो गया. ठीक है, वर्ड्स दैट शोज एक्शन आर कॉल्ड डूइंग वर्ड्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड वर्ब्स. हम इनको वर्ब्स भी बोलते हैं. ठीक है, तो हम अभी करेंगे इसकी एक्सरसाइज. आपने वो वाले वर्ड सर्कल करने हैं जो हमें एक्शन के बारे में बता रहे हैं कि कोई काम हो रहा है. तो क्लैप, क्लैप करना तो एक एक्शन है, तो हम क्लैप को सर्कल करेंगे. उसके बाद डॉग, डॉग है जो वो एक जानवर का नाम है, तो डॉग हम नहीं, डॉग को नहीं सर्कल करेंगे क्योंकि ये किसी काम के बारे में हमें नहीं बता रहा. उसके बाद रन, भागना, ये एक एक्शन है, काम हो रहा है. इसमें स्टार, तारे, जस्ट एक थिंग का नेम है, तो इसको हम सर्कल नहीं करेंगे. वॉक, चलना, इसमें भी एक्शन हो रहा है. बॉल मीन्स गेंद, तो ये तो सिर्फ एक थिंग का नाम है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा. काउंट, गिनना, हम काउंट कर रहे हैं, गिन रहे हैं, तो ये एक्शन है. फ्लाई, उड़ना, ये भी एक्शन है. ईयर कान, ये जस्ट नेम है. ईट, खाना, इसमें भी एक्शन हो रहा है. लाफ, हंसना, ठीक है, हंसते हैं हम तो एक्शन कर रहे हैं. होप, कूदना. चाइल्ड, बच्चा, ये कोई एक्शन नहीं है. स्विम मतलब तैरना. मून, चांद, तो जो जिसमें, जिस वर्ड में कोई एक्शन हो रहा है हमने उसको सर्कल करना है. उसके बाद में फिर वही है, नेक्स्ट सर्कल द डूइंग वर्ड्स. हमने डूइंग वर्ड्स जो किसी काम के बारे में बता रहे हैं हमने उनको सर्कल करना है. द मोबाइल फ़ोन रिंग्स लाउडली, जो मोबाइल फ़ोन है वो लाउडली रिंग्स करता है. तो जो रिंग्स हो गया हमारा, यहाँ पे एक्शन वर्ड हो गया, वर्ब होगी. बॉय स्विम्स इन अ वाटर, लड़का पानी में तैरता है. तो तैरना कोई काम हो रहा है ना, तो स्विम्स है जो हमारा, वो हमारा एक्शन वर्ड है, डूइंग वर्ड्स है. रीना लाफ्स अ लॉट, रीना बहुत हंसती है, ठीक है, तो हंसना हमारा यहाँ पे डूइंग वर्ड आ गया. बर्ड सिट्स ऑन द ट्री, जो पंछी है वो ट्री पे बैठते हैं. सिट्स, ठीक है, ये सिट्स हमारा यहाँ पे डूइंग वर्ड आ गया. काओ ईट्स ग्रास, जो काओ है वो ग्रास खाती है, ठीक है, ईट्स जो हमारा हो गया वो डूइंग वर्ड हो गया. ऐसे ही आपने पिक्चर में जो डिफरेंट मतलब आपको पिक्चर दी है उसमें जो वो क्या काम कर रहे हैं वो ही आपने लिखना है. जैसे ये पंछी उड़ रहे हैं, बेबी क्रॉल्स कर रही है, बेल रिंग कर रही है, डॉग बार्क कर रहे हैं, चिल्ड्रन प्ले, तो ऐसे ही आपने उन सबको लिख देना है. ठीक है, तो आपने याद रखना है कि डूइंग वर्ड्स क्या होती है, जिसमें कोई काम हो रहा है, जिससे हमें पता चल रहा है कि कोई एक्शन हो रहा है. ठीक है, जैसे गाना, सोना, खाना, पढ़ना, खेलना, ये सारे हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं जिससे हमें किसी काम का पता चलता है. थैंक यू.